मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात में क्या हुआ? आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए कोशिशें तेज, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की मुलाकातें। शाहजेब खान ज़ादा ने अंदर की कहानी बता दी। सीनियर सहाफी और तज़ियाकार शाहजेब खान ज़ादा का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर करने और मसले का सियासी हल निकालने के लिए बातचीत का रास्ता अपनाने का फैसला किया गया है। इस सिलसिले में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की सरबराही में पेशावर में ग्रैंड जिरगा हुआ, जिसमें गवर्नर के पी फैसल करीम कुंडी और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी शिरकत की। शाहजेब खान ज़ादा का कहना था कि दिलचस्प बात तो ये है कि कुछ रोज कबल मोहसिन नकवी अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करने के लिए ढूंढते फिर रहे थे। दोनों ही एक दूसरे को बड़े बड़े चैलेंजेस कर रहे थे और अब मुज़ाकरात की मेज पर आ बैठे हैं। इसी बारे में रहनुमा तहरीक इंसाफ उमर अयूब ताने देते सुनाई दे रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करने जा रहे थे और आज उनके कदमों में बैठ गए हैं, जबकि वजीर आला के पी अली अमीन गंडापुर का कहना था कि अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने खुद ही वफाकी हुकूमत से राबता किया। दूसरी जानिब शाहजेब खान ज़ादा का कहना था कि हुकूमत 26वीं आईनी तरामीम जल्द अज जल्द मंजूर करवाने के लिए कोशिशें कर रही है और इस बात का इशारा दे रही है कि ऐसा 15 और 16 अक्टूबर को शंघाई कॉन्फ्रेंस के इजलास से पहले मुतवक्के है। इसी सिलसिले में पीपल्स पार्टी के वफद ने नून लीग के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात की। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के वफद ने मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइश गाह पर दोबारा मुलाकात की। इन मुलाकातों के बारे में पीपल्स पार्टी की रहनुमा शीरी रहमान का कहना है कि हमारी कोशिश है कि आईनी अदालत पर इत्तफाक राय पैदा करें और सबको एक ही पेज पर लाया जाए।